गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर्स क्लास। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 25, लेटर राइटिंग। सो दिस चैप्टर इज अबाउट हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, मतलब कि आज भी लेटर्स जो हैं वो अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी अभी भी इम्पॉर्टेंस है। दे आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ऑफिशियल्स एंड एडिटर्स। मीन्स ये जो लेटर्स हैं हम किसको लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, कुछ लेटर्स ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ एडिटर्स को लिखते हैं। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स, ओके। दो तरीके के लेटर्स होते हैं, फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर, सेकेंड वन इज फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर्स, लेटर्स टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा, मीन्स जो आप अपने पेरेंट्स को, मान लो आप कहीं बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, या आपके पेरेंट्स आपसे अलग रह रहे हैं, तो आप उनको जब लेटर लिखते हैं, या आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं या किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है, जिसको अनौपचारिक बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र। अब फॉर्मल लेटर्स औपचारिक, यानी कि लेटर्स टू बिजनेस फर्म्स, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। जो लेटर्स ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं, ठीक है, या किसी एडिटर्स, न्यूज़पेपर के एडिटर्स को लिखे जाते हैं, या किसी बिजनेस फर्म को लिखे जा रहे हैं, ये सभी क्या है, फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो ये जो है, वी ऑल्सो राइट एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल और द ऑफिशियल्स मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। और हम जो है, देखो, एप्लीकेशंस भी लिखते हैं, है ना, किसी अपने प्रिंसिपल को ऑफिशियल, या फिर किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो वो एप्लीकेशन भी लिखी जाती है। और ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये एक प्रॉपर इनका एक फॉर्मेट होता है, उसमें होते हैं, ठीक है। तो हाउ टू राइट अ लेटर, कोई भी लेटर लिख रहे हैं हम, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले राइटर का एड्रेस, ठीक है, इट इज़ रिटन नाउ एट द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया इसका, तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड पर हम क्या लिखेंगे, जो राइटर है उसका एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है, ठीक है। डेट, डेट शुड बी रिटन, फिर उसके बाद हम डेट लिखते हैं, डेट शुड बी रिटन एज May 2, 2014, और सेकंड में ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सेकंड में 2014। डोंट राइट डेट एज, इस तरीके से जो है आपको डेट नहीं लिखनी है, मीन्स आपको मंथ का नेम तो स्पेलिंग ही लिखनी है उसकी। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन रिलेशन, ठीक है, आपका उनसे जो रिलेशन है उसके लिए आप उनके लिए क्या, जैसे आपके फादर हैं, अंकल हैं, आंट हैं, मदर हैं, तो उनके लिए आप माय डियर फादर, माय डियर अंकल, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब कोई ये अगर आपका ब्रदर है, छोटा भाई है, तो उसके लिए माय डियर रोहित, और आपकी फ्रेंड है तो डियर अमित। अगर टीचर और प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो सर या मैम यूज़ कर सकते हैं। आप किसी एडिटर, ऑफिशियल, बिजनेसमैन या बुक सेलर को लिख रहे हैं तो भी आप सर और मैडम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम। अब सेकंड चीज, थर्ड, फोर्थ नंबर आता है बॉडी, ठीक है। ये लेटर के पार्ट्स बता रहे हैं हम आपको। बॉडी ऑफ द लेटर कंटेन्स द मैसेज, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ। बॉडी में क्या है, मेन, जिस जो आप लेटर लिख रहे हैं ना, उसका जो मैसेज है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इफ़ यू आर मेकिंग एनी रिक्वेस्ट, या फिर इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एनी इम्पॉर्टेंट नॉलेज, कोई चीज़ उनकी नॉलेज में डालना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई रिक्वेस्ट बना रहे हैं किसी से, या आप अपना सिंपल किसी को अपनी ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, अपनी कोई भी खुशी की बात शेयर कर रहे हैं, तो ये इसमें बॉडी में है। सब्जेक्ट, इन फॉर्मल लेटर्स वी कैन राइट द सब्जेक्ट मैटर बिफोर सैल्यूटेशन। जैसे आपने फॉर्मल लेटर्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। फॉर्मल में क्या करेंगे आप, जहाँ पर आपने सैल्यूटेशन लिखा है उससे पहले आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि आप जो है लेटर क्यों लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लिख के ऑर्डर फॉर अ फ्यू बुक्स, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में देखिए, सब्सक्रिप्शन यानी कि आपका उनके साथ रिलेशन क्या है, उसके लिए आप उनको सब्सक्रिप्शन देते हैं। जैसे फादर हैं, अंकल हैं, तो योर अफेक्शनेटली, या फिर योर अफेक्शनेट, योर अफेक्शनेटली, योर लविंग ब्रदर, योर सिंसियरली, इस टाइप से हम इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
तो ये हो गए आपके सिक्स पार्ट हो गए। अब सेवेंथ देखते हैं, सेवेंथ क्या है। जैसे टीचर के लिए लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली सब्सक्रिप्शन हो गया है ना। अब सेवेंथ इज सिग्नेचर, राइट योर नेम अंडर द सब्सक्रिप्शन, जैसे योर्स ट्रूली एम के सिल्ला, ठीक है। अब आपको एक मैं सैम्पल बताती हूँ, ये क्या है इनफॉर्मल लेटर का, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया, फिर उसके बाद डेट लिख दी, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन लिख दिया, फिर बॉडी ऑफ द लेटर ये है जो, जैसे ये लिखा यू विल गेट यू विल बी ग्लैड टू नो दैट वी आर शिफ्टिंग टू आवर न्यूली बिल्ट हाउस इन चंदन नगर ऑन 20th जून। इस तरीके से ये क्या है, बॉडी है। उन्होंने अपनी पूरी जो मैसेज है वो बॉडी के अंदर लिख दिया है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया योर सिंसियरली, और सिग्नेचर अनीता, उसने अपना नाम लिख दिया। इसी तरीके से एक और है। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, यू हैव टू राइट दीज टू एप्लीकेशंस इन योर नोटबुक, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इशू यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने के लिए। आप यहाँ से हर चीज़ कॉपी कर सकते हैं, बट डोंट कॉपी द स्कूल नेम, आपको अपना स्कूल नेम लिखना है, ठीक है। यही चीज़ देखने लायक है कि आप क्या कैसे इसको समझ के करते हैं। उसके बाद अपनी एड्रेस और अपना ही नाम और आज की डेट लिखेंगे, ठीक है। ये चेंजेस आपको करने हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन भी कॉपी में लिखनी है आपको, ठीक है। लीव एप्लीकेशन ये इम्पॉर्टेंट है आपकी, दोनों एप्लीकेशन इनको एज वेल एज लर्न भी करना है और नोटबुक में भी लिखना है।